गुजरात से नुमाइंदा ग्रेट न्यूज इदरीस अहमद की रिपोर्ट शामिल करते हैं। थाना एंटी करप्शन हेडक्वार्टर गुजरावाला के मुकदमा नंबर 6/23 और 7/23 में साबिक वजीर अला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की स्पेशल जज एंटी करप्शन गुजरावाला गुजरात के एमराना मोहम्मद सलीम की अदालत में पेशी। साबिक वजीर अला पंजाब की 23 मई तक कबूरी जमानत मंजूर। चौधरी परवेज इलाही ने गुजशतर रोज लाहौर हाई कोर्ट से मुकदमा में हिफाजी जमानत करवाई थी। साबिक वजीर अला पंजाब ने पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला इनको एक्सपोज करे। ये लोग झूठ भी बोल रहे हैं, हुकूमती मेंबरान हुकूमत भी कर रही है, अपोजिशन भी कर रहे हैं और अदलिया को गालियां भी दे रहे हैं। दरअसल झूठ की बुनियाद वाले मोहसिन नकवी वजीर आला है। हुकूमती ऐवानों का ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं लग रहा। हमारी क्यादत को बखूबी इल्म है कि हुकूमत क्या कर रही है। इंशाल्लाह कोई देर नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से सब क्लियर हो जाएगा। उनका मजीद कहना था, ख्वाजा साहब नून लीग की सही खिदमत कर रहे हैं और सही नुमाइंदगी कर रहे हैं। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की असल चेहरा दिखाया उन्होंने कि हम ये हैं जजेस के हवाले से, और जो सिटिंग जजेस हैं हम उनको ये समझते हैं, तो हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है। और हम भी ये चाहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से हुआ कि अल्लाह ताला इनको एक्सपोज करे ताकि इनका पता चल जाए कि ये है क्या। हुकूमत भी कर रहे हैं, अपोजिशन भी साथ कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं और डटाई के साथ सुप्रीम कोर्ट को गालियाँ भी दे रहे हैं। मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इनकी टीम को देखते हुए ये कह सकता हूँ कि ये मुनाफिकों का टोला है, ये सारा सर झूठ बोल रहे हैं, जो क्लियर हो जाएगा।